हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक जारी होगा, उसकी आंसर की कब तक आ जाएगी। और दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट बात करेंगे दोस्तों इसमें कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों काउंसलिंग टाइम पे, तो वो कैसे बनवाएं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों जानकारी देंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके लिए जो खुशखबरी है वो ये है दोस्तों कि जो आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट दोस्तों 31 जनवरी को जारी होगा। जो आपका दोस्तों बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो 31 जनवरी को जारी होगा, तो आपको घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों। 31 जनवरी को आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, पहली बात दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, जो आपका आंसर की है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की दोस्तों, जो आंसर की है वो आज शाम तक आंसर की आपकी 100% आ जाएगी दोस्तों। आज कितनी तारीख हो गई दोस्तों? 28 तारीख हो चुकी है, 28 जनवरी हो चुकी है दोस्तों आज। तो उस एडमिट कार्ड में आपने देखा होगा नीचे मैंने अगली वीडियो में भी बताया था आपके लिए, तो इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि दोस्तों जो आपका आंसर की है वो कितनी तारीख तक आ जाएगी, 28 तारीख तक दोस्तों 12 बजे के बाद, मतलब कभी भी आ सकती है वो, आज के दिन कभी भी आ सकती है। तो आज 28 तारीख हो गई है दोस्तों, तो वो आपकी शाम तक रिलीज हो जाएगी, तो आपको घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों मेन बात करते हैं दोस्तों कि आंसर की, चलो चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि आंसर की आ चुकी है कि नहीं आई, आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर की आ चुकी है कि नहीं आई अभी तक। तो हम आरयूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर हमें आरयूएचएस की जो वेबसाइट है वो ओपन कर लेनी है दोस्तों। जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हैं हम, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें आना है, कहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है एडमिशन 2021-22 पर आना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको आ जाना है कहाँ पर, बीएससी नर्सिंग, ये लिख रहा है देखो दोस्तों, यहाँ पर आ जाना है आपको। आपकी ऐसे ही आंसर की चेक करनी है, हम बता देंगे और आपको। तो देखो दोस्तों, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया बीएससी नर्सिंग की जो आंसर की है उससे रिलेटेड, ओनली एडमिट कार्ड का दे रखा है वो पहले का। तो दोस्तों अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया यहाँ पर, तो जैसे ही अपडेट आएगा और जैसे ही आंसर की रिलीज होगी तो हम आपको बता देंगे दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं जो आज न्यूज़पेपर की जो कटिंग है दैनिक भास्कर की, उसमें क्या दे रखा है आपके जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की डेट के बारे में, वो रिजल्ट के बारे में दोस्तों। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 31 को जारी होगा, तो यानी दोस्तों 31 जनवरी को जो आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, देखो मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है, जो आपके नए कॉलेज खुले हैं ना दोस्तों, देखो नए कॉलेज कौन कौन से दोस्तों, सीकर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली और करौली जिले में सत्र 2021-22 में ये हर एक कॉलेज में 60-60 सीटों पर प्रवेश दिया जा सकेगा दोस्तों। इसका कहने का मतलब ये है, ये नए कॉलेज खुले हैं दोस्तों आपके साथ, सीकर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा और धौलपुर और पाली और करौली। तो दोस्तों इनमें क्या है, जो आपका बैच रहेगा, कहने का मतलब ये है जो आपका ही बैच जाएगा दोस्तों, नया बैच जाएगा 2022 का, उसमें आपकी कितनी सीट रहेंगी, 60 सीट रहेंगी प्रत्येक कॉलेज में। तो उस कॉलेज में दोस्तों आप ही तो सीनियर रहोगे और आप ही जूनियर रहोगे, कहने का मतलब ये दोस्तों आप ही रहोगे फर्स्ट बार, क्योंकि पहली बार कॉलेज खुले हैं दोस्तों, तो उसमें 60 सीटों पे आपका ही हक रहेगा, कहने का मतलब ये है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस चीज़ की, दो चीज़ की बात हो गई दोस्तों, अब किस चीज़ की बात कर लेते हैं हम, आंसर की बात हो चुकी है दोस्तों, और जो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है वो 31 को आएगा उसकी बात कर ले। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट की बात, कि दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, बनेगा। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे थे हमारे पास कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, तो टेंशन ना लो, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो चलो देखते हैं दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। तो दोस्तों ये पिछली ईयर का एक गर्ल्स का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बना हुआ है पहले से ही, तो इसको मैं आपको बारीकी से बताऊँगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या प्रोसेस आपको करनी है मेडिकल सर्टिफिकेट में। तो दोस्तों आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म है वो ख़रीद लोगे, कहीं से भी परचेज़ कर लोगे दोस्तों, जैसे कि मेडिकल स्टोर से आप परचेज़ कर सकते हो उसको, चाहो तो आप इसको हॉस्पिटल से ले सकते हो दोस्तों, तो इसको हॉस्पिटल से भी ले सकते हो आप। अब दोस्तों क्या करना है आपको इस फॉर्म में, जैसे ही आप इसको परचेज़ कर लोगे तो परचेज़ करने के बाद दोस्तों आपका पी एस सी या CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट या
तहसील कहीं भी जहाँ भी आप रहते हो दोस्तों, वहाँ आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है हॉस्पिटल। जैसे ही आप हॉस्पिटल जाओगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को आपको ये दिखाना है। जैसे ही डॉक्टर देखेगा तो बोलेगा किस लिए, तो दोस्तों आपको बताना है कि ये सर बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेना है, बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेना है, तो हमें मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो डॉक्टर से आप ऐसे बोलोगे दोस्तों, तो उसमें डॉक्टर आपको सारा क्राइटेरिया बता देगा क्या क्या है। तो दोस्तों उसमें क्या होगा, डॉक्टर आपकी सारी जो फिजिकल एक्टिविटी है आपकी बॉडी के अंदर वो चेक करेगा दोस्तों। जैसे कि आपका आई विजन देखेगा दोस्तों, आपकी आई देखेगा कि आपका आई विजन देखेगा दोस्तों कि आपकी आँख खराब है कि नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी हार्ट रेट देखेगा, आपकी पल्स रेट देखेगा दोस्तों, बीपी चेक करेगा आपका, आपकी सारी चीज़ें चेक करेगा वो डॉक्टर वहाँ पर। कोई कोई डॉक्टर करता है, कोई कोई डॉक्टर नहीं करता है दोस्तों। तो आपका जो डिसेबिलिटी तो नहीं है आपके अंदर, तो वो डॉक्टर आपको सारी चीज़ें चेक करेगा आपके अंदर, बॉडी के अंदर। जैसे ही दोस्तों आप इस सर्टिफिकेट को बनवाओगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, डॉक्टर अपने सिग्नेचर कर देगा दोस्तों। यहाँ पर जो डॉक्टर है उसका वर्क क्या कर रहा है दोस्तों वो, और दोस्तों यहाँ पर आपका जो क्या लिखा हुआ है इसमें, नेम ऑफ द हॉस्पिटल प्लेस सर्टिफाइड दैट हैव केयरफुली एग्जामिन्ड। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा दोस्तों, इस लड़की का नाम है दोस्तों, इस प्रकार आपका नाम आ जाएगा दोस्तों, है ना। और नेक्स्ट बात दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट सन ऑफ, तो दोस्तों जो आपके पिताजी हैं उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर कितने पैसे लगेंगे, कुछ भी खर्च नहीं होता है आपका इसमें, बिल्कुल कुछ भी खर्च नहीं होता है आपका, बिना किसी कॉस्ट के ही बन जाता है। कहने का मतलब ये है आपका कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा, और फालतू में पढ़ना भी मत। अगर किसी को मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन रहा हो तो हमसे संपर्क कर ले, हम बनवा देंगे, मतलब फ़ोन से उनका हमसे पूछ लेना, कमेंट कर देना आप कि सर कैसे बनवाना है, तो हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। वैसे हर किसी स्टूडेंट को एक एक करके हम बताते हैं सारी बातें। और दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपका फ़ोटो, और यहाँ पर दोस्तों सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पर उस मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हॉस्पिटल की मोहर लग जाएगी, उस डेट को आपने सर्टिफिकेट बनवाया उस डेट, उस दिन की डेट डाली जाएगी दोस्तों, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको घबराने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और आपके साथ में हमें इस प्रकार आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। 10 मिनट लगेंगे दोस्तों हॉस्पिटल में आपको इसको बनवाने की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और दोस्तों बाकी बाद में बात करेंगे, जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो हम जब बताएंगे दोस्तों कि आपको चालान कैसे भरना है, चालान कैसे कटवाना है दोस्तों, चालान, तो सारी बातें बताएंगे दोस्तों। बस आज की वीडियो में हम यही बात बताना इम्पोर्टेंट था दोस्तों कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा। तो आपके सारे डाउट जहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे, हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए हो तो आप हमसे मैसेज करें और बोलें कि सर क्या है, हमारी कुछ समझ में नहीं आया, तो हम आपको और बता देंगे, और कमेंट भी कर सकते हो आप हमें, हम आपका वहाँ रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।